दोस्तों नमस्कार, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं ARS ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम हल्द्वानी से ऊपर हेड़ा खान वाली गली पे हैं, जो पहाड़ हेड़ा खान को जाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे खतरनाक पहाड़, और ऐसा व्यू है कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप पीछे का नज़ारा देखिए तब तक, और नीचे का भी नज़ारा, पीछे का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, देखिए, देख रहे हैं, खतरनाक है। दोस्तों जिसको वीडियोग्राफी का शौक़ है और वीडियो वगैरह बनाना चाहता है वो इस रास्ते पे आए, इसका बेहतर व्यू है और लोगों को बेहतरीन। और यहाँ से मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों रास्ते ऐसे हैं, लेकिन इधर आइएगा थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करिएगा, क्योंकि रास्ते अगर एक बार भी आप हल्का सा भी वो हुए तो सीधे नीचे जाने के पूरे चांस हैं। तो केयरफुली ड्राइव करिए इधर आके, और देखिए कितना अच्छा व्यू है इधर का, और बेहतरीन नज़ारा जो पूरे इंडिया में लोग यहाँ घूमने आते हैं नैनीताल के लिए, तो वो शायद इन लोगों को ये रास्ता नहीं पता होगा, शायद घुमाते भी नहीं होंगे, लोग जाते होंगे तो नहीं जाते होंगे, जिसको पूरा यहाँ का पता हुआ है, सब पता है, ज़्यादा वैसा नहीं। तो ये ब्लॉगिंग सबसे अच्छी ब्लॉगिंग है, और मुझे नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। हल्द्वानी में रहते हुए 12-14 साल हो गए, लेकिन कभी नहीं आया मैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हेड़ा खान 27 किलोमीटर दिखा रहा है, और आपको एक सुंदर नज़ारा और दिखाई देती हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास चलता हुआ, और यहाँ पे कपल के लिए बहुत अच्छा है, आइए और घूमिए और बैठिए और मौज मस्ती करिए। और जंगल के नज़दीक है, जंगल के नज़दीक है, और बस ये सतर्क रहें कि कहीं गलती से कोई भूखा शेर, भूखा जानवर आपकी तरफ ना आ जाए, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नज़ारा आपके लिए बेहद ख़तरनाक होगा। बस ये है कि और लोग जो लोग पहाड़ आते हैं और ये गंदगी ऐसी करके जाते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते। कृपया आते हैं पहाड़ पे घूमने का मज़ा तो प्रकृति का गलत वो ना करें, और यहाँ पे कूड़ा कचरा पर साफ लेके नीचे कहीं डस्टबिन में डाल दो।